यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी अपने बेटे और बहू से बात करने को तरस रहा है। वो एक बार दोनों से बात करना चाहता है, इसलिए उसने अब कोर्ट से गुहार लगाई है। SCJM कोर्ट नंबर 19 में एम्बुलेंस प्रकरण में हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जज से कहा कि उसका बेटा अब्बास अंसारी यूपी की गासगंज जेल में बंद है और बहुत निकहट बानो चित्रकूट जेल में बंद है। दोनों से उनकी बात नहीं हो पा रही, इसलिए उनकी फोन के जरिए दोनों से बात करवाई जाए। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी अपने बेटे और बहू से बात करने को तरस रहा है। वो एक बार दोनों से बात करना चाहता है, इसलिए उसने अब कोर्ट से गुहार लगाई है। SCJM कोर्ट नंबर 19 में एम्बुलेंस प्रकरण में हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जज से कहा कि उसका बेटा अब्बास अंसारी यूपी की गासगंज जेल में बंद है और बहुत निकहट बानो चित्रकूट जेल में बंद है। दोनों से उनकी बात नहीं हो पा रही, इसलिए उनकी फोन के जरिए दोनों से बात करवाई जाए। यूपी की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी अपने बेटे और बहू से बात करने को तरस रहा है। वो एक बार दोनों से बात करना चाहता है, इसलिए उसने अब कोर्ट से गुहार लगाई है। SCJM कोर्ट नंबर 19 में एम्बुलेंस प्रकरण में हुई सुनवाई के दौरान मुख्तार ने जज से कहा कि उसका बेटा अब्बास अंसारी यूपी की गासगंज जेल में बंद है और बहुत निकहट बानो चित्रकूट जेल में बंद है। दोनों से उनकी बात नहीं हो पा रही, इसलिए उनकी फोन के जरिए दोनों से बात करवाई जाए।